class four students once again welcome back to this online session of sri public school here it's me your computer teacher so in the last video we already discussed up to creating a number list numbered list okay so in this video we will continue from changing case let's see what is changing case and what is the use of changing case in our ms word 2010 see about changing case

जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल में कर दिया है और उसके बारे में आपने पूरा लिखा हुआ है उसके बैडमिंटन के बारे में उसमें कुछ वर्ड्स थे जो कैपिटल होने थे जो कुछ वर्ड्स थे जो स्मॉल होने थे और कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिनके फर्स्ट लेटर स्मॉल होने थे कैपिटल हो गए कैपिटल थे स्मॉल होने थे तो फॉर दीज प्रॉब्लम्स वी हैव वन ऑप्शन डेट इज़ चेंजिंग केस विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन वी कैन correct our mistakes okay so no need to delete the entire text and no need to type it again so what we use we use changing case see how we use changing case see we have different types of changing case you can change the case of text in ms word document there are five case options options in change case dialog box first one is sentence case सो सी वॉट इज सेंटेंस केस फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस केस इज़ इन कैपिटल लेटर्स वेयर एज रेस्ट आर ऑल इन लोअर केस इन देंटेंस केस योर ऑल लेटर इन स्मॉल एक्सेप्ट फर्स्ट लेटर फर्स्ट लेटर ऑफ योर सेंटेंस इज शुड बी कैपिटल जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा और जो बाकी के होंगे वो स्मॉल में होंगे और इन द लोअर केस ऑल द लेटर्स आर इन स्मॉल लेटर्स सारे लेटर्स आपके क्या होंगे स्मॉल होंगे इन द अपर केस और द लेटर्स आर इन कैपिटल जो भी सारे लेटर्स होंगे वो कैपिटल में होंगे सी जिसे सेंटेंस केस दिया है उसका यूज भी बताया है और उस वे में भी लिखा है सेंटेंस केस जो सेंटेंस केस का फर्स्ट लेटर है सी वो कैपिटल है लोअर केस में ऑल लेटर आर इन स्मॉल लेटर इन अपर केस सेम ऑल लेटर्स आर इन कैपिटल लेटर इन द कैपिटलाइज ईच वर्ड कैपिटलाइज ईच वर्ड मीन्स सी इन द कैपिटलाइज ईच वर्ड योर फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज इन कैपिटल मतलब फर्स्ट लेटर का हर एक वर्ड क्या होगा कैपिटल होगा सी देखियो हर एक वर्ड आपका कैपिटल है इन टॉगल केस इन टॉगल केस केस रिवर्स फॉर ऑल द कैरेक्टर्स मीन्स इसमें क्या होगा कन्वर्टेड टू मिक्स केस वर्जन ऑफ द टेक्स कैपिटल एंड स्मॉल बोथ लेटर्स विल बी मिक्स इन सेम इसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर्स दोनों होंगे ठीक है सो दीज आर द डिफरेंसेस इन ईच केस फाइव केस होते हैं हर एक केस में डिफरेंस दिया हुआ है सेंटेंस केस का फर्स्ट लेटर इज शुड भी कैपिटल लोअर केस में दिया है आपका और योर ऑल लेटर्स इन स्मॉल लेटर अपर केस में योर ऑल लेटर्स इन कैपिटल लेटर कैपिटलाइज ईच वर्ड में योर फर्स्ट लेटर शुड भी इन कैपिटल इन टॉगल केस योर टेक्सट इज Mixed your sentence will be in mixed version of the text. Okay, so see how to use these cases. So, firstly, what you have to do to change the case of text, follow the steps given below. Step one select the text whose case has to be changed. Step two click change case option in the home tab. Step three the change case menu appears. Select uh, step four select desired option by clicking on it. Firstly, what you have to do. जस्ट गो ऑन द होम टैप यू नो नम वेयर इज होम टैप तो बिफोर होम टैप जाने से पहले सेलेक्ट द टैक्स हुज केस टू बी चेंज किसका आपको चेंज करना है क्या लाइन चेंज करनी है क्या चेंज करना है तो फर्स्टली यू हैव टू सेलेक्ट डैट पार्ट उस जगह को आपको पहले सेलेक्ट करना है और वॉट एवर थिंग्स यू विल सेलेक्ट इट विल बी अपियर इन अ ब्लू कलर जो भी आप सेलेक्ट करोगे वो किस पे दिखता है ब्लू कलर में वो हाईलाइट होता है आफ्टर डैट आफ्टर सेलेक्टिंग द टेक्स्ट यू हैव टू गो ऑन द होम टैब होम टैब पे जाओगे तो इस टाइप के सिंबल का आपको एक ऑप्शन मिलेगा तो ये किसका सिंबल है चेंज केस का हा? तो जब आप इस पर क्लिक करोगे चेंज केस पे तो ऐसे इस, ये इसको आप कहते हैं मेनू मीनू इसको हम क्या कहते हैं मीनू इट अपियर्स इन विल अपेयर ऑन योर स्क्रीन फिर सेलेक्ट डिजायर्ड ऑप्शन बाय क्लिकिंग ऑन इट और फिर आपको जो चेंजेस देनी हैं सेंटेंस में देनी है फर्स्ट लेटर में देनी है स्मॉल करना है कैपिटल करना है हर एक वर्ड कैपिटल करना है या मिक्सड वर्जन ऑफ टेक्स्ट करना है जो भी करना है यू कैन सेलेक्ट एज पर योर चॉइस ठीक है फिर जो आपका टेक्स्ट होगा वो एज़ पर योर चॉइस आ जाएगा आपकी चॉइस से वो अपीयर हो जाएगा आपके स्क्रीन पे आ जाएगा जो आपको चेंजेस करनी है तो दिस इज़ अबाउट योर चेंजिंग केस ओके सो नेक्स्ट वन इज़ फंड स्टाइल वॉट इज़ फंड स्टाइल विद द हेल्प ऑफ दिस फंड स्टाइल यू कैन चेंज द स्टाइल ऑफ़ योर टैक्सट जो भी आप लिखोगे ना उसको आप डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्सट में लिख सकते हो ठीक है तो देर आर मैनी स्टाइल्स ऑफ फंड अवेलेबल इन एम एस वर्ल्ड टू थाउजेंड टेन और हमारे एम एस वर्ल्ड टू थाउजेंड टेन के पास बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाइल्स हैं जैसे आप स्टाइल जीन्स टी शर्ट हो गए जीन्स शर्ट हो गया मतलब अलग अलग ड्रेस की स्टाइल्स करते हो वैसे आपके फंड स्टाइल के पास भी है ठीक है सच एज कैलेब्री टाइम्स न्यू रोमन फटूरा बीके बी टी प्रिपिटुअ एक्सेट्रा दीज आर द नेम्स ऑफ फंड स्टाइल ये फंड स्टाइल के नेम्स है ठीक है तो हाउ टू यूज द फंड स्टाइल इन योर एम एस वर्थ टू थाउजेंड टेन लेट सी सेलेक्ट द टेक्सट टू चेंज द फंड आप ऐसे भी कर सकते हो और पहले से भी कर सकते हो सो क्लिक ऑन द होम टैब Click the drop-down list arrow on the font button from the font group. After that, choose the font type from the list and click it to apply. So, before watching the video, or isko dekhte while watching the video, please open your book, open page number 67 seven तो पहले अगर आपने नहीं किया, अगर पहले से ही आपको what you have to do, just click on the home tab. Home tab पे आपको किस पे जाना है, font पे. फ़ंट आपका एकदम सामने ही होता है कैलिब्री होगा लिखा तो उसके बाजू में जस्ट इस टाइप की एरो होगी ठीक है उसको हम कहते हैं ड्रॉप डाउन एरो ठीक इस ड्रॉप डाउन एरो में डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शन होते हैं वन यू विल क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो यू विल फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शन ऑफ फंट स्टाइल डिफरेंट यू विल फाउंड डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाइल्स इन योर फंट हाँ फंट स्टाइल तो जो आपको अच्छा लग रहा है जस्ट क्लिक ऑन डैट उस पर क्लिक करोगे आपके स्क्रीन पे चेंजेस दिखेंगे जैसे यहाँ पे वर्ड सेलेक्ट हुआ है ये पूरा सेंटेंस सेलेक्ट हुआ है अब आप इस इसको सेलेक्ट करके आप वन स्टाइल पे जाओगे डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाइल पे क्लिक करोगे और डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाइल्स में आएगा जो जो पे आप क्लिक करोगे ठीक है तो जो आपको सूटेबल पड़ेगा जो आपको अच्छा लगेगा एज़ पर योर विश सेलेक्ट एट एंड कंटिन्यू योर वर्क ओके अंडरस्टैंड लाइक वाइज नेक्स्ट वन इज़ योर फंट साइज़ वट इज़ फंट साइज देर आर मैनी फंडस अवेलेबल इन द वर्ल्ड डॉक्यूमेंट हमारे वर्ल्ड डॉक्यूमेंट के पास वर्ल्ड के पास डिफरेंट काइंड ऑफ फंडस हैं फंड साइज कैन भी चेंज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस और ये भी आपकी चॉइस से चेंज होगा द साइज ऑफ लेटर और करेक्टर इज कॉल्ड फंड साइज़ जो लेटर की जो लेटर की साइज होती है और करेक्टर की उसको हम क्या कहते हैं फंड साइज़ मीन्स फंड साइज़ जैसे ये देखो मैंने कैपिटल में किया मतलब इतना बड़ा लिखा और चोटा, इसको और छोटा इसको छोटा मतलब इट डिपेंड्स ऑन यू उसको आप साइज़ कितनी बड़ी देनी है कितनी छोटी देनी है साइज मतलब जानते हो ना कि आप इतने साइज़ की पैंट लोगे तो आपको इतना छोटा पड़ेगा इतना बड़ा पड़ेगा तो वैसे ही आपका फंड साइज़ है वॉट एवर साइज यू विल गिव इट विल अपीयर्स इन डैट हाँ उसी साइज़ में वो आपके स्क्रीन पे अपीयर होगा नाउ सी हाउ टू सेलेक्ट फंड साइज़ इन आवर एम एस वर्ड to change the font size follow the steps given below step 1 is select the text to change the font size click on the home tab click the drop down list arrow on the font size button in the font group step 4 choose the font size from the list and click it to apply so what you have to do before other else you will select before you start before writing anything in the area or after writing hmm. या तो आप लिखने से पहले ये चीज़ सब सेट कर लो होम टैब से या तो आप लिखने के बाद फिर सेलेक्ट करके करो तो सी हेयर दिस सेंटेंस इज सेलेक्टेड हाँ आई लव टू क्या लिखा है वॉट इज जितिन देव आई लव टू नो अबाउट कंप्यूटर हाँ तो हेयर वॉट वी हैव टू डू वी हैव टू चेंज द साइज़ यहाँ पे इन्होंने कितनी साइज़ लिया है ट्वेंटी फोर तो पहले आपको होम टैप पे जाना है होम टैप पे आपका नंबर जैसा बना होगा ठीक है तो डेट इज़ योर फंड साइज़ डिफरेंट काइंड ऑफ फंड साइज़ वहाँ पे होंगी ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी उस पर आपको क्लिक करना है डिफरेंट काइंड ऑफ फंड साइज़ आएंगी उसमें से जो साइज आपको सूटेबल पड़ेगी जस्ट क्लिक ऑन डैट तो योर टेक्स्ट और योर सेंटेंस विल बी अपीयर इन द सेम साइज़ वही साइज़ में आएगा जो साइज़ आप सेलेक्ट करोगे ओके लाइक वाइज आपका ऐसे फंट कलर है वर्ड प्रोवाइड्स वैराइटी ऑफ कलर्स फॉर द टेक्स टू मेक इट मोर एट्रेक्टिव हमारा जो ये प्रोग्राम है एमएस वर्ड हमें डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स देगा देता है जिससे हमारा जो जो भी हम प्रजेंटेशन बनाए जो भी चीज़ बनाए वो बहुत अट्रैक्टिव मतलब तो बहुत प्रभाविक हो लोग उसको देख के बहुत प्रभाविक हों बहुत अच्छा लगे तो हाउ टू सेलेक्ट दिस फंड कलर इन आवर वर्ड लेट सी सो टू कलर द टेक्स फॉलो द स्टेक्स गिव एन बिलो सेलेक्ट द टेक्स टू चेंज द फंड कलर click the home tab click the drop down list arrow on font color button in the font group a color palette appears choose the color you want from the palette and click it to apply nothing is difficult in this only what you have to do क्लिक यू आर इन द होम टैब इफ़ यू आर नॉट इन द होम टैप जिस क्लिक ऑन द होम टैब ऊपर ही रहता है सबसे पहले एकदम साफ आपको दिख जाएगा होम टैब पर आपको जाना है ये कलर पैलेट की डिज़ाइन सिम्बल है इस पर आपको क्लिक करना है अगर पहले अगर आपने सेलेक्ट सेंटेंस नहीं किया सेलेक्ट कर लेना अगर पहले से अगर नहीं शुरुआत की है तो पहले ही कर लेना अगर कर ली है तो आपको सेंटेंस सेलेक्ट करना पड़ेगा दिन होगा तो यहाँ पे हमने सेंटेंस को सेलेक्ट कर लिया है होम टैप पे हम किस पे जाएंगे फंड कलर पे ये हमारा फंड कलर का सिंबल है हाँ फिर जैसे हमने फंड कलर पे क्लिक किया वहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स अपीयर हो गए है ना फिर इसमें हमें क्या करना है जो कलर हमको अच्छा लगेगा उस पर हमें क्लिक करेंगे जैसे यहाँ पे इन्होंने कौन सा किया येलो ऑरेंज किया है इन्होंने मान लो हमने ये सेलेक्ट किया तो जो भी हमारा टेक्स्ट आई लव टू लर्न अबाउट कंप्यूटर जो भी हमने सेलेक्ट टेक्स्ट किया कलर पे क्लिक किया उसी उसी कलर में हमारे स्क्रीन पर वो आ गया ठीक है फंड साइज फंड कलर और फन स्टाइल ये सारे एक ही टैब में होते हैं डेट इज़ योर होम टैब अगर आपने बैडमिंटन के बारे में लिख लिया है तो आपको six, पूरा सेलेक्ट करके चेंजेस करनी पड़ेगी अदरवाइज आप लिखने से पहले ही ये सारी चेंजेस कर सकते हैं ठीक है ये सारे ऑप्शंस कहाँ होंगे आपके होम टैब में होंगे इजिली uh, आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में पे क्लिक करना डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शन अवेलेबल होंगे जो आपको सूटेबल पड़े जो आपको अच्छा लगे एज़ पर योर चॉइस सेलेक्टेड एंड कंटिन्यू योर वर्क ओके सॉरी योर चैप्टर इज़ Over, that is your chapter चैप्टर It's over now. Just watch the video carefully till the end without uh, any रुके हुए देखिएगा और इफ़ एनी डाउट और एनी मिस्टेक्स आज मी इन द डाउट सेशन और इन द कमेंट सेक्शन और लेट मी नो इफ एनी डाउट ओके दैट्स ऑल For today, from my side, thank you, class.